गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां प्रभु श्री राम लिए अवतार। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। 16 नवंबर 2021 को देश के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश काशी के सांसद मोदी जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आ रहे हैं। सभी लोगों को लखनऊ से बलिया गाजीपुर जाने वाली यह रास्ता आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ लहरा रहा है चारों तरफ। आपको बता दूं कि 16 नवंबर 2021 को सभी लोग इस रास्ते से आने जाने वाले जो कि तेज़ी के रफ्तार के साथ यहाँ पर खुशियाँ जो है देखी जा रही है उनके चेहरों पर। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। लखनऊ से बलिया गाजीपुर से जाने वाली यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर की इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पंडाल इस वक्त लग रहा है जहां पर जो है देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पधारेंगे। और यह देख सकते हैं कि आज दिन रात कार चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मजबूती से कार्य हो रही है। स्वागत समारोह की पंडाल लगातार सजाया जा रहा है। इधर लड़ाकू विमान को भी यहाँ पर उतारा जाएगा और यह जो है प्रयोग किया जाएगा, इसका प्रैक्टिस किया जाएगा। इसका भी बहुत सारे जो भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहाँ जहाँ पर भी एक्सप्रेसवे बनी है सभी जगह जो है आप देख सकते हैं कि वहाँ प्रैक्टिस कुछ कुछ जगह पर किया गया है। और अब ये बड़ी भारी मात्रा में 16 नवंबर 2021 को लड़ाकू विमान जैसे कि मिराज, सुखोई, बहुत सारे ऐसे जो है आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, यानी रिहर्सल किया जाएगा। या बहुत बड़ी जो है हम सभी का खुशियों की बात होगी जब हम सभी लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उपयोग आम व्यक्ति रफ्तार के साथ करेंगे। लखनऊ से सीधे बलिया और बलिया गाजीपुर के रास्ते ये निकल जाएगी सीधे सीधे बिहार की तरफ। और बिहार के आसपास के एरिया के लोग आज भी बहुत खुश हैं। लड़ाकू विमान आसमान में इस वक्त गरज रहा है और यह गरजते हुए सभी आज गांव और शहर के लोग सुल्तानपुर और अयोध्या और आसपास के जो भी गांव हैं यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सभी आज खुश हैं क्योंकि लड़ाकू विमान जो है पहली बार यहां पर ऐसा देखा जा रहा है गरजते हुए। तो गांव वाले बहुत ही खुश हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सुल्तानपुर जनपद कूड़ेभार में पधारने वाले हैं। यहाँ के आसपास गांव के लोग लखनऊ से बलिया गाजीपुर बड़े आसानी के साथ अब रफ्तार से आने और जाने का जो है मार्ग ढूंढ सकते हैं। वहाँ ना कोई ट्रैफिक, ना कोई जाम, ना कोई जो है रुकावट, सीधे अपने घर से सीधे अपने मंजिल लखनऊ तक बलिया गाजीपुर सफर। इस वक्त तैयार है और वह 16 नवंबर को जो उसका देश के पीएम खुद करेंगे। लखनऊ से बलिया गाजीपुर बिहार जाने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 16 नवंबर को करने वाले यह उद्घाटन बड़े खुशियों के साथ सभ्यता के साथ दिखाई दे रही है। जहां पर आपको बता दूं इस वक्त कई सुरक्षा व्यवस्था चल रही है। 12 नवंबर थी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का दौरा था जहां आप समझ सकते हैं कि यहां की तैयारी कैसा है। इसका जायजा लेने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आम जनता लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की दौरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की विकास दौर और मजबूती करते हुए यह देखा जा सकता है कि लगातार आज सरकार इस मुस्तैदी से विकास के खास उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 16 नवंबर को आने जाने वाले लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और हमेशा आप खुश रहें अपनी जो है यहाँ देखते हुए 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे संपूर्ण रूप से लखनऊ से बलिया गाजीपुर जाने वाली यह रास्ता आप समझ सकते हैं कि खोल दिया जाएगा। और 16 नवंबर से 30 नवंबर तक आपको आने जाने के लिए कोई भी शुल्क या टोल टैक्स नहीं लगेगा जैसा कि यह सूत्रों के अनुसार से बताया जा रहा है। और 1 दिसंबर से जो है यहाँ पर टोल टैक्स
जो है लगना शुरू हो जाएगा। वहीं पर सभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उपयोग करने वाले सभी लोगों से अपील है कि आप सभी लोग हमेशा आने जाने में अपनी सुरक्षा के साथ जो है मार्ग का उपयोग करें और स्वस्थ जीवन के साथ अपने परिवार के साथ हंसते खेलते अपने परिवार साथ सुरक्षित पहुँचें। बस हम यहीं तक, फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।